औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज 20 जमादी उसानी है और आज का दिन बड़ा मुबारक है। ये वो दिन है जिस दिन रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी बरकत और रहमत एक आई थी। और वो तो रहमतों भरा घर था, लेकिन रहमतों को अपने जलाओ में एक और खुशी जो आई थी, आज के दिन शहज़ादी कौनैन सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जो उनकी विलादत बासादत का दिन है, मैं अपनी जानिब से तमाम जितने भी मेरे मुसलमान भाई बहनें देखती हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन मैं गुजारिश करूँगा कि सैयदा पाक के नाम से गरीबों में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर तकसीम करें, उनको खाना खिलाएँ, उनको कोई और मीठी चीज़ बच्चों को खिलाएँ। इसका बड़ा अजर है और बड़ा इसका आपको सवाब मिलेगा। सैयदा पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी शफ़क़त और कितना आप अपनी शहज़ादी से प्यार फरमाते थे, इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब कभी ये तशरीफ़ लाती तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इनके हाथ को बोसा देते, इनकी पेशानी मुबारक को बोसा देते। और ख़ुद नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके घर जाते थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती थी और आपके दस्ते मुबारक को भी बोसा दिया करती थी। सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो थी, उनके बारे में नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, ये मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। और उनके शहज़ादों के बारे में आपको पता, आपने ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सैयदा पाक जो हैं, उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत, उनकी अज़मत, उनकी रिफ़त, उनका ज़ुहद, उनका तकबा, वो तो मलाइका जो थे वो भी हैरान हो जाते थे उनके तकबे और ज़ुहद को देखकर। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ये मेरी बेटी जो है इसका नाम भी अर्श से आया है फ़ातिमा। आपने फरमाया कि इनकी और इनकी औलाद पर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग को हराम कर दी। एक हदीस का मफहूम यह है कि जो इनका एहतराम अदब करेगा, इनसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत जो है वो अता कर देगा और वो दोज़ख की आग से वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमें अहले बैत अतहार का अदब जो है वो अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। जिस दिन आपकी विलादत बासादत हुई उस दिन, माफ़ कीजिएगा, जिस दिन आपकी विलादत बासादत हुई उस दिन जो है उस घर में सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो मलिकतुल अरब थी, अरब की सबसे बड़ी जो थी ताजर और सबसे बड़ी अमीर खातून जो थी, उनके घर में जबकि आपकी आमद पाक होती है तो सारा घर जो था वो बुकाए नूर बन गया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुझे ये मेरी बेटी जो है इसे जन्नत की खुशबू आती है। और आप उनके सर अकदस को भी बोसा दिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा अनस रज़ी अल्लाह ताला अनु की वालदा माजदा फरमाती हैं कि सैयदा पाक जो थी 14वीं रात के चांद से ज़्यादा आप हसीन व जमील थी। और बेशुमार आपके जो पैदाइश के वक्त के वाक़यात हैं वो लोगों ने लिखे हैं। और आपका जो चेहरा अनवर था वो इतना रोशन था, इतना हसीन था, इतना जमील था, चेहरे को खद्दो खाल थे। और सामने के जो चार दांत हैं ना, उनके बारे में आता है कि वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे रसूलुल्लाह सल्लम के दांत मुबारक हों। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से आपकी मुशाबत किस तरह थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने चाल में, गुफ्तार में, रफ्तार में, उठने में, बैठने में, आदात में, अतवार में, खसाइल में किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा इतना नहीं देखा जितनी मुशाबहत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की थी। और इसीलिए उनको फरमाया करती थी कभी कि काश मैं तुम्हारा सर का एक बाल होती। तो सैयदा पाक जो थी उनके बारे में ये भी फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत और प्यार था वो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से था। जब आपकी विलादत बासादत का वक्त आया तो सैयदा खदीजतुल कुबरा अकेली थी। और उस वक्त विलादत के वक्त यकीनन होता है कि कोई ना कोई मेरा कोई करीब हो, एक तबीयत पे घबराहट भी आती है। तो आपने अचानक देखा उस वक्त के चार खवातीन जो थी बड़ी दराज का वो तशरीफ़ लाई, जिनके चेहरे बड़े पुरनूर थे। और वो ज़रा घबराई, चूँकि आपने इनको पहले ही देखा था तो आपने उनसे पूछा आप कौन हैं। तो उनमें से एक ने, जैसे बनी हाशिम की खवातीन बातें करती थी, उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं,
हम आपकी बहनें हैं, खादमाएँ हैं, और हमारी अल्लाह ताला ने जो है वो हमारा ड्यूटी लगाई है खिदमत गुजारी के लिए, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है। और फिर उन्होंने तारुफ कराते हुए कहा, मैं सारा सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा हूँ, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनकी ज़ौजा थी। दूसरी ने कहा, मैं मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हूँ। तीसरी ने कहा, मैं कुलसूम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा हूँ। और चौथी ने कहा कि मैं ये सैयदा आसिया जो फिरौन की ज़ौजा थी, मैं वो हूँ। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि फिर उनमें से एक मेरे दाएं तरफ बैठ गई, दूसरी बाएं तरफ, तीसरी आगे, चौथी मेरे पीछे बैठ गई। और उनका हुस्न जमाल कहते हैं कि फिर जब ये शहज़ादी कौनैन तशरीफ़ लाईं तो फरमाती हैं कि उनका हुस्न जमाल ऐसा था कि जैसे चौदहवीं रात का चाँद देख के शर्मा जाए। तो ये फिर मेरी बेटी जो थी ये मेरी गोद में आ गई। इसी तरह जो रवायात में आता है कि सैयदा तो निसाउल आलमीन जो थी सलामुल अलैहा, जब इनकी तशरीफ़ आवरी हुई तो आपके चेहरे अकदस से इतना नूर निकल रहा था कि जिससे सारे घर, सारा काशान पाक मुनव्वर हो गया। और क्यों ना होता, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो सारी आसार आलम मुनव्वर हो गया था। और सैयदा आमना सलामुल्ला अलैहा फरमाया था कि मैं जो है महल्लात जो है वो इतने सैकड़ों मील दूर जो महल्लात थे शाम के, उनको भी अपनी निगाहों से देख रही हूँ। तो उस वक्त पूरी कायनात जो थी वो रोशन हो गई। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया करते थे ना कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे सीने के अंदर ये दोनों तरफ के दरमियान का जो हिस्सा है इस तरह है मेरा, यानी दिल है फ़ातिमा जो है। और इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने फरमाया कि अर्ज़ किया कि इमाम साहब ये फरमाएँ कि चार औरतें दुनिया की जो है वो बड़ी काबिल एहतराम, उनकी बड़ी शान बयान हुई है। एक सैयदा आसिया जो फिरौन की ज़ौजा थी, दूसरी सैयदा मरियम, तीसरा सैयदा खदीजतुल कुबरा, और चौथी सैयदा फ़ातिमा। तो इनमें से अफजल कौन है? उन्होंने कहा, तुम ख़वातीन की बात करते हो, मुझे तो मर्दों में भी कोई सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मर्तबा का नज़र नहीं आता। इसलिए कि जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया था, ये मेरी बेटी जो है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे दिल है, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्से अतर का ये जो हिस्सा इनको करार दे दिया गया, तो फरमाया फिर इनसे बढ़ के कौन जो है वो इनके बराबर हो सकता है। इसी तरह आपकी विलादत बासआदत के वक्त जन्नत से 10 हूरें आईं, उनके हाथों में नूर के ज़री तश थे और सरों पर उन्होंने कौसर के मटके उठाए हुए थे जिनमें हौज़े कौसर था। और वो सलाम पेश करती थी, मुबारकबाद पेश करती थी आके। और फिर उनमें से हर एक जो थी वो सईदा पाक जब नौमौलूद थी तो उनको अपने तश्त में रख कर आबे कौसर से बारी बारी गुसल देती थी और जन्नत की एक छोटी सी अबा पहनाती थी। हर एक ने अलग अलग अबा पहनाई, ये बड़ी हैरान कन बात है। और खुशबुओं से मुअत्तर रुमाल जो था वो आपके सरे मुबारक पे बांध देती थी। सईदातुन्निसा सईदा खातमा खदीजतुल कुबरा की गोद में देकर फिर अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी साहबजादी को पाकीज़ा तय्यबा ताहरा और बरकत वाली कहा है और इनकी औलाद को भी बरकत की दुआ दी है। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली और आप तशरीफ़ लाए तो सैयदा ने आपको गोद में कहा कि ये आपकी साहबजादी आई है। तो हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको अपनी गोद में लिया तो सैयदा ने इतना खूबसूरत तबस्सुम फरमाया जिस तरह कली खिलती है, बिल्कुल ये अंदाज़ क्या जो था आपने तबस्सुम फरमाया था। और किताबों में आता है कि ऐसे लगा जैसे आफ्ताब की झोली में महताब जो है वो आ जाए जिस तरह पकड़ा हुआ हो। और आपने फिर इरशाद फरमाया, खदीजा तेरी ये बच्ची दुनिया की बुज़ुर्ग तरीन औरतों में से है। तो आज मैंने अपनी बहनों को, बेटियों को एक ये भी बताना है कि आपने इरशाद फरमाया था, औरत का जो सबसे कीमती जेवर है वो उसका हया है, उसकी पाकीज़गी है। और औरत की अजमत ये है कि वो किसी गैर मर्द को ना देखे। जब उम्मे मक्तूम नाबीना थे, वो इनके घर में आए तो ये भाग के छुप गई थी एक जगह। इनकी जो निगाह की पाकीज़गी है और शबनम में सुबह की तरह बचपन और जवानी जिस तरह आपने गुजारी है, और अपने वालदे गिरामी से जो आपका इश्क और मोहब्बत है, और हम पे जो करम फरमाया है कि इस उम्मत के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए सैयदा पाक ने दुआएं फरमाई हैं, अल्लाह ताला हमें
अहले बैत अतहार का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत लामहदूद फदाई नसीब फरमाए। नारे के लिए तैयार हो जाइए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।